दोस्तों अपने मिजाज के अंदर वो चीज़ पैदा करें, कुरान मजीद की मोहब्बत और कुरान मजीद के लिए गैरत और कुरान मजीद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जज्बा और कुरान मजीद फुरकान हमीद के साथ अपनी लाजवाल मोहब्बत और वाबस्तगी और कुरान मजीद को पढ़ने का, तदब्बुर करने का, कुरान मजीद की तालीम को आम करने का, कुरान मजीद के इदारों को मजबूत करने का जज्बा अपनी तबीयत के अंदर पैदा करें और बताएं कि हमारी मस्जिद में भी कुरान का निज़ाम चलेगा और हमारी पार्लियामेंट में भी कुरान का निज़ाम चलेगा। जब ये मिजाज पैदा होगा, जब शौरी तौर पर हम कुरान मजीद से जुड़ जाएंगे, पूरी दुनिया पर कुरान मजीद का जब हम राज देखेंगे और निफाजे कुरान मजीद पूरी दुनिया में करने में कामयाब हो जाएंगे, तो ये अमलन तमाचा है आलम कुफर के मुंह पर। मुसलमानों मुत्तफिक होने की ज़रूरत है, अपने दिलों के अंदर जज्बा पैदा करने की ज़रूरत है, मुसलमानों मुसलमान बन के जीने की ज़रूरत है, कुरान मजीद से मोहब्बत करने का और कुरान मजीद का दामन थाम कर जिंदा रहने की ज़रूरत है। मेरे नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया था, याद रखना कुरान मजीद वो अजीम किताब है जिसका एक सिरा अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में है, जो उसकी शान के लायक है, और फरमाया दूसरा तुम्हारे हाथों में। कुरान को कभी छोड़ना ना, वरना गुमराह हो जाओ।